हाय, मेरा नाम हेमंत है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वन ऑफ माय रिलेटिव मिस्टर लली, उसे पहले शुरुआत में तो पाँव में पेन होने शुरू हो गया था, लेफ्ट लेग में। फिर धीरे धीरे उसका पेन एंकल से बढ़ते बढ़ते नी तक बढ़ते बढ़ते लो बैक तक पहुँच गया। पहले हमने इतना कुछ नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर उसको पेन की वजह से उसका चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। पहले तो 100 और 150 फीट चलने के बाद उसे रेस्ट लेने के लिए बैठना पड़ता था। फिर हमने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया था, उसने MRI वगैरह सब प्रिस्क्राइब किया। MRI रिपोर्ट में ये दिख रहा था कि उसके लो बैक के 2-3 डिस्क प्रोलैप्स हो चुके थे, जिसके वजह से उसे सर्जरी की एडवाइस दी गई थी। लेकिन हमें सर्जरी नहीं करनी थी, इसलिए हम लोग और बाकी ऑप्शंस देख रहे थे। लेकिन उसके साथ उसका पैर में वीकनेस वगैरह भी बढ़ने लगा था। बट फिर हमने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने भी हमें इस सर्जरी का ही ऑप्शन बताया। ऐसे इस तरह से हमने एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिक और एक ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट किया था। सबकी एडवाइस यही थी कि हमें सर्जरी कर लेनी चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर हेमल संघवी से कॉन्टैक्ट किया, जो मेरे पहले से पहचान के थे। उन्होंने मुझे उनके कंसल्टिंग में बुलाया, सब रिपोर्ट्स देख लिए, किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, उस तरह से उन्होंने हमें सब एडवाइस किया। एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का प्लान तैयार किया, फिर हमने उनके कंसल्टिंग में जाना शुरू किया। पहले 10-15 दिन में ही हमें 15 से 20 मिनट्स तक का डिफ्रेंसेस दिखने लग गया था, अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। फिर हमने कंटिन्यू किया उनके क्लिनिक में, और फिर जैसे जैसे फिजियोथेरेपी देते गए, उन्होंने फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट और थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उसे थोड़ा काफ़ी अच्छा लगने लगा, उसका पेन वगैरह सब निकल गया। उसके बाद उसने उसका कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करने कर रहा था, अच्छे से अपना काम भी अच्छे से कर रहा था। सो फिजियोथेरेपी से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ हमें। उसके बाद फिर उसका कॉलेज ऑफिस जॉब वगैरह भी अच्छी तरह से करे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट फिजियोथेरेपी से हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। थैंक्स।